घायल वंस अगेन देखने के बाद महसूस होता है कि सनी देओल का सुनहरा दौर बीत चुका है। 58 वर्ष की उम्र में लार्जर देन लाइफ किरदार के लिए वे फिट नजर नहीं आते। घायल घातक या गदर का सनी देओल पीछे छूट चुका है, जिसकी दहाड़ पर सिनेमाघर थर्रा उठता था। वे उस सनी देओल की अब परछाई मात्र हैं। घायल के अंत में अजय मेहरा को सजा हो जाती है। घायल वंस अगेन में दिखाया गया है कि अजय अब भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ इतना बड़ा नाम हो चुका है कि लोग उसके साथ सेल्फी लेते हैं। 4 टीनेजर्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। कैमरे में एक मर्डर भी दर्ज हो जाता है। शक्तिशाली बिजनेसमैन राज बंसल का बेटा यह मर्डर करता है। इन चारों टीनेजर्स से टेप छीनने की कोशिश शुरू हो जाती है। इन किशोरों और राज बंसल के बीच अजय मेहरा नामक दीवार खड़ी हो जाती है। फिल्म की कहानी अच्छी है, लेकिन स्क्रीन प्ले ने मामला गड़बड़ कर दिया है। स्क्रीन प्ले 90 के दशक की फिल्मों की याद दिलाता है और इस पर घायल की छाप नजर आती है। घायल में जो रोमांच, दमदार संवाद, सही उतार चढ़ाव थे, वो सीक्वल में नदारद हैं। फिल्म में बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की गई है, लेकिन मामला जम नहीं पाता। हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही यह दर्शकों को भी कंफ्यूज करता है। समय का ध्यान ही नहीं रखा गया है। घटना घंटों में है या दिनों में, पता ही नहीं चलता। बस भागम भाग चलती रहती है। साथ ही फिल्म विलेन को फोकस करती है। दर्शक सनी देओल को देखने आए हैं, लेकिन सनी को बहुत कम संवाद मिले हैं। पीछा करने के कुछ दृश्य उबाने की हद तक लंबे हैं। सनी देओल ने अभिनय के साथ साथ लेखन और निर्देशन की जिम्मेदारी भी निभाई है। फिल्म को सनी ने लुक तो आधुनिक दिया है, लेकिन फिल्म को वे आउटडेटेड होने से नहीं बचा पाए। घायल से सीक्वल को जोड़ने की कोशिश में जरूर कामयाब रहे हैं, लेकिन फिल्म को वे मनोरंजक नहीं बना पाए। उन्होंने अपनी ही खूबियों का उपयोग नहीं किया। सनी देओल एक्शन दृश्यों में फिट नजर नहीं आते। इमोशनल सीन में वे और भी बुरे लगे हैं। खलनायक के रूप में नरेंद्र झा अप्रभावी रहे। वे सनी की टक्कर के विलेन नहीं लगते। अमरीश पुरी की तरह वे दहशत पैदा नहीं कर सके। सुहा अली खान का कैरेक्टर फिल्म में न भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम पुरी को फिल्म में इसलिए रखा गया है ताकि पिछली फिल्म से कड़ी जोड़ी जा सके। मनोज जोशी थोड़ा मनोरंजन करते हैं। अरे आप जानते नहीं हो आज मेरा को। घायल वंस अगेन ऐसी फिल्म नजर आती है जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। घायल वंस अगेन से बेहतर है कि घायल ही दोबारा देख ली जाए। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूँ।